आज हम लोग चर्च के पार्ट टू को करने जा रहे हैं और पार्ट वन पहले हम लोग मैंने बना दिया है, तो आप लोग प्लीज उसको देख लीजिए ताकि और भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। तो पार्ट टू क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, सिंप्लीफाई है, तो यहाँ पे देखना है कि इसमें एक्स का मैंने सुबह जो वो सभी जगह पे है, तो क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं हम लोग एक्स का मैंने सुबह को लेट कर लेते हैं क्या ए है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया रूट जब हम लोग लेट कर लिए तो पूरा रूट के साथ लेट कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए एलसीएम एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस प्लस माइनस आ गया तो प्लस का स्क्वायर प्लस आ गया तो माइनस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू एक्स ए प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू एक्स ए प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं ये और ये कट गया तो आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम लोग कॉमन कर सकते हैं टू को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सॉरी प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे क्या हो गया कि हम लोगों ने क्या किया कि आप फॉर्मूला को पुट करना है, मतलब जिसको हम लोग लेट लिए थे पुटिंग इन द वैल्यू पुटिंग इन द वैल्यू। देखिए पुटिंग इन द वैल्यू में क्या है कि टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया एक्स का वैल्यू मतलब बताना है तो एक्स स्क्वायर का तो वैल्यू मेरे पास है नहीं ए स्क्वायर का वैल्यू है मेरे पास है ना। ए का वैल्यू है क्या वैल्यू है का कि भाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर ये है मेरे पास और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है यहाँ पर भी है रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक है। यहाँ पे देख सकते हम लोग टू टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ये तो कट चुका है ठीक है यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू ठीक है ना। और क्वेश्चन में देखिए आपको दिया गया है कि 14 सिंप्लीफाई वैल्यू उन्होंने लिखा है सिंप्लीफाइड वैल्यू सिंप्लीफाइड वैल्यू इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 14 फोर एक्स स्क्वायर एक्सट्रा ना बोले इक्वल टू 14 प्लस टू फोर एक्स स्क्वायर 16, 4, 4, 16, x कर टू प्लस माइनस या कॉपी आंसर। तो हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें a का वैल्यू दिया हुआ है रूट फाइव प्लस वन और b का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है इतना दिया हुआ है तो हम लोग को क्या करना है कि फॉर्मूला पे बेस करना है। फॉर्मूला पे का बेस का मतलब क्या होता है a प्लस b a प्लस b हमको निकालना होगा तो निकालना होगा a प्लस b निकालना होगा प्लस बी का मतलब क्या होगा ए प्लस बी ए जो है वो पुट कर देते हैं बी जो है वो भी पुट कर देते हैं रूट फाइव माइनस वन रूट फाइव प्लस वन माइनस आ गया तो प्लस का स्क्वायर प्लस आ गया तो माइनस का स्क्वायर ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पे भी ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे देखते हैं क्या होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी का भी होल स्क्वायर ये कट गया फाइव प्लस वन फाइव प्लस वन फाइव इज वन इज फोर सिक्स सिक्स टू एट बाई फोर कितना वैल्यू आ गया थ्री कितना गया थ्री आ गया। हम लोग देखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्वेश्चन नंबर वन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस ए बी यहाँ पे क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर टू में से एरिया तो ए बी और यहाँ पे टी प्लस बी का होल स्क्वायर
थ्री ए प्लस बी का वैल्यू कितना था थ्री, थ्री का स्क्वायर माइनस वन, ए बी का वैल्यू हमेशा वन होता है ये दिमाग में रखना है, थ्री का और स्क्वायर थ्री इंटू वन नाइन माइनस वन नाइन माइनस थ्री एट बाई सिक्स फोर बाई थ्री, फोर बाई थ्री मतलब वन वन बाई थ्री आंसर। नोट ऑन ऑफ यू, अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास प्लस का तो वैल्यू था माइनस का नहीं था, मैंने तो माइनस का निकालना होगा, यहाँ पर भी एलसीएम करते हैं रूट फाइव माइनस वन रूट फाइव प्लस वन, ठीक है माइनस आ गया तो प्लस का होल स्क्वायर और प्लस आ गया तो माइनस का भी होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे माइनस है इसको ब्रैकेट में रखना जरूरी है क्योंकि साइन बदल जाता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फाइव प्लस टू रूट फाइव प्लस वन माइनस फाइव प्लस माइनस माइनस प्लस टू रूट फाइव माइनस वन प्लस माइनस माइनस फाइव माइनस वन, ठीक है प्लस माइनस कर दिया प्लस माइनस कर दिया फोर रूट फाइव बाई फोर, फोर फोर कट डाउन आंसर आ गया फाइव, किसका ए माइनस बी का, क्वेश्चन अलग है क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल, मतलब a माइनस बी कितना है रूट फाइव होल क्यूब, a प्लस बी का क्या है थ्री होल क्यूब, ठीक है ना रूट रूट फाइव सिक्सटी थ्री टाइम्स इसका मतलब टू रूट फाइव और यहाँ पे ट्वेंटी सेवन, ठीक है रूट फाइव फाइव सॉरी फाइव रूट फाइव फाइव रूट फाइव आप लोग समझना होगा एक्स का वैल्यू क्या है टू प्लस रूट थ्री, वन पे एक्स का वैल्यू जो है वो क्या है वन बाई टू रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस हो गया तो माइनस टू माइनस रूट थ्री टू का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर टू माइनस रूट थ्री का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर थ्री, तो यहाँ पे आपका इसका वैल्यू आ गया, हम लोग एक्स का भी पता है मुझे टू प्लस रूट थ्री माइनस वन का एक्स का भी पता है टू प्लस रूट थ्री टू टू जा टू टू कट गया रूट थ्री कट गया तो क्या रूट थ्री वन प्लस वन टू रूट थ्री, अब मेरे पास में वाई का है का वैल्यू है इतना तो वन बाई वाई वाई का मैंने निकाल दिया यहाँ पे दिखा दिया आप लोगों को, अब वाई वाई प्लस वन बाई वाई का वैल्यू जो है वो फोर है तो फॉर्मूला के अनुसार फोर के स्क्वायर माइनस टू सिक्सटीन माइनस टू कितना हो गया फोर्टी, तो ये आपका हो गया आंसर इसका नंबर ए नंबर बी का, नंबर सी जो आप लोग खुद से करना होगा, ठीक है अब क्वेश्चन है एक्स का रूट सेवन प्लस रूट थ्री रूट सेवन माइनस रूट थ्री, ठीक है यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ गया, अब वाई का लाना है वाई का लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा एक्स वाई स्क्वायर टू वन वाई स्क्वायर टू वन बाई एक्स रूट सेवन प्लस रूट थ्री रूट सेवन माइनस रूट थ्री रूट सेवन माइनस रूट थ्री रूट सेवन प्लस रूट थ्री, ठीक है एक्स का ये है वाई का ये है, अब हमारे पास में एक्स प्लस वाई का लाना है एक्स प्लस वाई रूट सेवन प्लस रूट थ्री रूट सेवन माइनस रूट थ्री प्लस रूट सेवन माइनस रूट थ्री रूट सेवन प्लस रूट थ्री सेवन प्लस रूट थ्री रूट सेवन माइनस रूट थ्री माइनस आ गया तो प्लस का स्क्वायर और प्लस आ गया तो माइनस का स्क्वायर ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है यहाँ पर भी ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई रूट सेवन का भी होल स्क्वायर थ्री का भी होल स्क्वायर सेट बाई फोर ट्वेंटी बाई फोर फाइव, तो आपका एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है कितना आ गया फाइव आ गया, अब हमें सम्स देखना है सम्स में क्या दिया हुआ देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी माइनस टू ए बी प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू ए एक्स वाई, ठीक है। एक्स प्लस वाई कितना वैल्यू इसका, फाइव, फाइव का स्क्वायर माइनस वन, फाइव का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन, ट्वेंटी फाइव माइनस वन, ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री, 24, 22, मतलब 12 by 11। तो आज आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, समझिए, अरे समझिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, और बेल आइकन को जरूर दबा कर रखिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। फिर से नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।